यस तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, हमने कल वल लक्ष्मी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था ना, तो ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो स्पेसिफिक रिएक्शन को, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करवाती हैं। कैटलाइज करवाने का मतलब है कि उसको स्पीड अप करवाती हैं, उसकी स्पीड को इनहांस कर देती हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी कि ये किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो रिएक्शंस को कैटलाइज करवाती हैं, जो रिएक्शंस को स्पीड अप करवाती हैं। तो उन तमाम प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट ऑफ लाइफ दैट इंक्रीजेज द वेलोसिटी और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड कन्वर्ट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स ऐसे बायो कैटलिस्ट्स हैं, यानी कि स्पीड अप करने वाले ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। बायो मीन्स लाइफ, तो बायो कैटलिस्ट हैं दैट इंक्रीजेस वेलोसिटी और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन का रेट या वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है स्पीड, तो रेट या वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। हर केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? वे एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली ज़्यादा होती है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं? उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो जैसे वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, इसका मतलब अब थोड़ी सी एनर्जी पे भी रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। तो अब एंजाइम्स बेसिकली उनकी उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। तो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रिएक्शन स्पीड अप हो गया एंड कन्वर्ट स्पेसिफिक सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि वो स्पेसिफिक सब्सट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, हर सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जाता। फॉर सपोज जैसे पेप्सिन है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन्स को तोड़ना। पेप्सिन एक एंजाइम का नाम है और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन्स को तोड़ना। पेप्सिन खास तौर पे सिर्फ प्रोटीन्स पे ही एक्ट करता है, ये नहीं होता कि वो लिपिड्स को भी तोड़े, वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी तोड़े। नो, इट इज स्पेसिफिक ओनली फॉर प्रोटीन्स। तो पेप्सिन इज स्पेसिफिक ओनली फॉर प्रोटीन्स। पेप्सिन अपना काम करता है सिर्फ प्रोटीन्स के लिए। इसी तरह बाकी भी तमाम एंजाइम्स होते हैं जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि उनके साथ जो उनका बाइंड करने वाला सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। कोई भी सबस्ट्रेट उठ के रिएक्शन कैटलाइज, कोई भी सबस्ट्रेट उठ के एंजाइम के साथ नहीं जुड़ सकता और वो रिएक्शन कैटलाइज नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। अभी मैंने क्या बताया? कोई भी स्टूडेंट इस बात को रिपीट करे। हाँ जी बेटा बोले। कोई भी स्टूडेंट उसको रिपीट करे, मैं नाम ले लूँ फिर आप लोगों के। हाँ जी, फौजिया सलीम। फौजिया सलीम आप बताएं, मैंने अभी क्या बताया एंजाइम्स के बारे में? फौजिया सलीम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
महा इनका रोल नंबर नोट कर लें और इनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि इनकी आज की भी एब्सेंट मार्क हो गई है और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के लिए भी इनके एब्सेंट मार्क है। फॉर द यस सेम फिर मैम, आप इसमें आपको फॉजिया सलीम आप हैं यहाँ पर तो फिर आंसर करें कि अभी मैंने एंजाइम्स के बारे में क्या बताया है। अगर आप माइक में नहीं बोल सकती, आपका माइक अगर खराब है तो फॉजिया सलीम आप यहाँ पे आंसर कर सकती हैं, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। आप चैट में आंसर कर दें। ओके, जब तक चैट में फौजिया सलीम आंसर लिखती हैं तब तक विजदान फातिमा। यस मैम, हाँ जी बेटा बताएं कि अभी मैंने क्या बताया एंजाइम्स के बारे में। मैम आपने बताया है कि एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट है, यस और मैम ये हर जो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रिएक्शन की स्पीड के लिए होती हैं, जो भी रिएक्शन हो यस रहा होता है केमिकल रिएक्शन। यस यस और मैम जो डिफरेंट एंजाइम है वो सिर्फ अपने, जिस तरह प्रोटीन है तो वो प्रोटीन के एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के लिए काम करेंगे, वो किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। यस तो ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ये सिर्फ अपने स्पेसिफिक सब्सट्रेट के साथ ही बाइंड करते हैं और यस उसी मैम के रिएक्शन को कैटलाइज करवा करते हैं। सकते हैं। ठीक है चलें जी, नेक्स्ट पे आते हैं। आप लोग यहाँ पे फिगर में डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक एंजाइम बना हुआ है। ठीक है, किसी भी शक्ल का हो सकता है, ये रेंडम शक्ल बना ली है। ठीक है, ये एंजाइम की ये क्या है, उसकी एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और आप देखें सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है कि वो ऐसा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है जो सिर्फ इस पॉकेट में आकर बाइंड हो सकता है, इस पॉकेट के अंदर घंस सकता है एंजाइम की पॉकेट में, अदरवाइज और कोई भी सबस्ट्रेट, सॉरी अदरवाइज और कोई भी सब्सट्रेट आकर इसमें बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक शेप होती है, स्पेसिफिक पॉकेट होती है जिसमें स्पेसिफिक सब्सट्रेट आकर ही बाइंड करता है। नेक्स्ट केमिकल नेचर, ऑल द एंजाइम्स आर इनवेरिएबली प्रोटीन्स। तमाम एंजाइम्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तमाम एंजाइम जो खुद बने हुए हैं एंजाइम, वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। इन रीसेंट ईयर्स या भी कुछ सालों में फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स फंक्शन एज एंजाइम्स कॉल्ड एज राइबोसाइम्स। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी ऐसे होते हैं जो एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, यानी कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। ऐसे एंजाइम्स जो आरएनए के बने हुए होते हैं उनको राइबोसाइम्स भी कहते हैं। तमाम वो एंजाइम्स, तमाम के तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, पर कुछ बहुत थोड़े से होते हैं जो आरएनए के बने हुए होते हैं। तो वो वाले एंजाइम्स जो आरएनए के बने हुए होते हैं उनको राइबोसाइम्स कहते हैं, यूजुअली कैटलाइजिंग द क्लीवेज एंड सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये जो राइबोसाइम्स हैं वो मोस्टली कौन से वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, वो मोस्टली क्लीवेज को, तोड़ने वाले रिएक्शंस को एंड सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, और एटीपी बनाने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को बनाने वाले एंजाइम्स होते हैं। कौन, ये राइबोसाइम्स। तो राइबोसाइम्स का काम क्या है, कैटलाइजिंग दी क्लीवेज रिएक्शंस, तोड़ने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं एंड मेकिंग या सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, या वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाते हैं जैसे कि एटीपी वगैरह में। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, तो जब ये बॉन्ड बनता है तो इसके टूटने पे फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो राइबोसाइम्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स भी बनवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, ईच एंजाइम्स हैज इट्स ओन टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक कॉन्फॉर्मेशन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। हर एंजाइम का अपनी
हैज इट्स ओन टर्शरी स्ट्रक्चर, उसका अपना एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रोटीन्स का होता है उसी तरह एंजाइम्स का होता है. हमने अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ा प्रोटीन्स के पोर्शन में, उसका एक पोर्शन रह गया है प्रोटीन्स वाला, वो इंशाल्लाह हम दोबारा पढ़ेंगे. तो एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि इनका स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है एंड स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी. और उनकी जो कॉन्फर्मेशन होती है, जो साख्त होती है, जैसे जिसको हम कहते हैं हमारे नक्शनैन, तो इसी तरह एंजाइम्स के भी नक्शनैन अलग होते हैं, इस तरह स्पेसिफिक होते हैं कि वो सिर्फ स्पेसिफिक कैटालिटिक रिएक्शन को कैटालाइज करवा सकते हैं, अदरवाइज वो और रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करवा सकते. और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टर्शरी होता है. टर्शरी का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन्स के तीन टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं. बेटा आप लोग नोट कर लें नोटबुक पे अपनी. प्रोटीन्स के तीन टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं. नंबर वन प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नंबर थ्री टर्शरी स्ट्रक्चर. और टर्शरी के बाद एक और टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. तो टोटल फोर टाइप्स के स्ट्रक्चर हो जाते हैं प्रोटीन्स के. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन्स का? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के लीनियर चेन बनाते हैं. अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के ऐसे लीनियर लॉन्ग चेन बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद प्रोटीन्स क्या करती हैं कि वो जो लीनियर स्ट्रक्चर बना है, लीनियर लॉन्ग चेन बनी है अमाइनो एसिड्स की, वो लॉन्ग चेन क्वाइल होती है या फोल्ड होती है. क्वाइल होके फोल्ड होके वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेती है. तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अल्फा हेलिसेस, दूसरे होते हैं बीटा शीट्स. अल्फा हेलिसेस कैसे होते हैं कि वो जो लॉन्ग चेन थी वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह बन जाती है, स्प्रिंग की तरह अपने आप को क्वाइल कर लेती है. और बीटा शीट्स कैसी होती हैं, बिल्कुल उस तरह से होती हैं जैसे हम घर में अपने कपड़ों पे, अपनी क्लॉथ्स पे प्लेट्स डालते हैं. हम प्लेट्स डालते हैं ना, अब फोल्डिंग्स डालते हैं हम अपने कपड़ों पे, प्लेट्स डालते हैं डिजाइनिंग के लिए. तो बिल्कुल उस तरह के प्लेट्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह. उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बीटा शीट्स. आ गया था टर्शरी स्ट्रक्चर. जब ये अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है. इस तरह दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स मिलकर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स मिलके एक दूसरे के साथ इकट्ठी रह रही होती हैं. तो वो हमारे पास कौन क्या बनता है? टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है. क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम. ओके, सो कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम. व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस? अभी तक हमें जितना हमने भी पढ़ा है उससे हमें अंदाजा हो गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो इतने स्लो होंगे कि लाइफ पॉसिबल नहीं है. लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स. इतने स्लो रिएक्शंस होंगे, जैसे सपोज मैंने आज खाना खाया है, दोपहर में खाया है, आज का मील मैंने लिया है, और उसको 4-5 दिन लग जाएंगे डाइजेस्ट होने में एंजाइम्स के बगैर. 4-5 दिनों से भी ज़्यादा दिन लग जाएंगे उसको डाइजेस्ट होने में. तो वो क्या करेगा, जब हमारे स्टमक में पड़ा रहेगा खाना और अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो खुद से डीकम्पोज होने लग जाएगा, गलने सड़ने लग जाएगा. पड़ी ये चीज़ गलने सड़ने लग जाती है ना, तो वो गलने सड़ने लग जाएगा. एनएरोबिकली
और उससे क्या होगा, हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी और हमें इन्फेक्शंस का भी खतरा हो जाएगा। तो जब इन्फेक्शंस का खतरा होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, और जब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो लाइफ तब भी पॉसिबल नहीं है। तो इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है कि हमारे केमिकल रिएक्शंस को ये स्पीड अप करवाता है, अदरवाइज केमिकल रिएक्शंस इतना स्लो चलते हैं कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसको रीड कर लें, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स विच एड इन फैसिलिटेटिंग केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, जिनका काम क्या है कि वो मदद करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। एंजाइम्स आर नीडेड फॉर मेटाबॉलिक पाथवेज इन द बॉडी, रेस्पायरेशन, डाइजेशन एंड अदर इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। हमारी बॉडी को एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, क्यों? क्योंकि हर मेटाबॉलिक पाथवे में एंजाइम की ज़रूरत है। जैसे कि रेस्पायरेशन करनी है, सांस लेना है, एंजाइम्स की ज़रूरत है। डाइजेशन करनी है, जो खाना खाया हुआ है, जो मील खाया हुआ है, उसको डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत है। When enzymes function properly, homeostasis is maintained. जब एंजाइम्स अपना वर्क प्रॉपरली करते हैं तो हमारी जिस्म की इंटरनल कंडीशन सारी होम्योस्टेसिस पे रहती हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब मुतवाजन रहती हैं, बैलेंस में रहती हैं, मुतदल रहती हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारे अंदर की इंटरनल कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएंगी, कि कभी पानी की क्वांटिटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होगी या वेस्ट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये होमियोस्टेसिस नहीं होती। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है हमारे अंदर मौजूद हर चीज़ को बैलेंस में रखना। तो एंजाइम की मदद से होमियोस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है, अदरवाइज क्या होता है कि होमियोस्टेसिस नहीं होता, इंटरनल कंडीशंस मेंटेन नहीं होती। जब इंटरनल कंडीशंस मेंटेन नहीं होती तो इसका मतलब है लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो इंसान, एनिमल, पौधा जो भी है वो डाई कर जाएगा, वो मर जाएगा। विदाउट एंजाइम्स बायोलॉजिकल रिएक्शन एसेंशियल टू लाइफ टेक्स 2.3 बिलियन ईयर। तो एंजाइम्स के बगैर जो हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, जो हमारे केमिकल रिएक्शन हैं, जो हमारे अंदर हो रहे हैं, उनको कंप्लीट होने के लिए 2.3 बिलियन ईयर्स चाहिए। तो क्या हमारी लाइफ इतनी होती है 2.3 बिलियन ईयर्स जितनी? बिल्कुल नहीं होती। तो हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस तो ऐसे कभी भी, सॉरी, हमारे केमिकल रिएक्शंस तो ऐसे कभी भी अपनी कंप्लीशन को नहीं पहुंचेंगे। 2.3 बिलियन ईयर्स तो हमारी जिंदगी भी नहीं है, तो क्या होंगे, हम लोग मर जाएंगे। एंजाइम्स ऑल्सो हेल्प सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कीपिंग सेल ग्रोथ, लाइफ एंड डेथ अंडर कंट्रोल। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स हमारे सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करवाते हैं, एक दूसरे के साथ राबता भी करवाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर सिस्टम्स जो हैं वो मेनटेन रहते हैं। कि जैसे कहाँ पर सेल ग्रोथ होनी है, कहाँ पर कुछ सेल्स को डाई करना है। जैसे आपको पता है, नॉर्मली हमारे जो ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर शामिल, वो 4 महीने बाद खुद ब खुद डाई कर जाते हैं। तो ये होमियोस्टेसिस का एक पहलू है कि हमारे अंदर जो सेल्स बने हैं, नए बने हैं, वो सेल्स अल्टीमेटली डाई भी होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। पर ये डिपेंड करता है कौन सा सेल किस टाइप का है। जैसे ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो 4 महीने जिंदा रहते हैं, और अगर दिमाग के सेल्स मर जाएं तो वो कभी भी दोबारा नहीं बन सकते। तो इस तरह हर चीज़ को अंडर कंट्रोल रखते हैं कौन? एंजाइम्स। डिफरेंट एंजाइम्स दैट कैटालाइज द सेम केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड आइसोजाइम्स। तो डिफरेंट एंजाइम्स जो डिफरेंट प्रोटीन से कोड होते हैं पर वो सेम केमिकल रिएक्शन कैटलाइज करवाएं, वो क्या कहलाते हैं? आइसोजाइम कहलाते हैं। जैसे कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम है पेप्सिन। अगर इसके अलावा कोई और भी एंजाइम हो जो प्रोटीन को ही तोड़वाने का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? पेप्सिन का आइसोजाइम कहलाएगा। दे आर डिफरेंट एंजाइम्स बट फंक्शन सेम, देयर फंक्शन इज ऑलवेज सेम। उनका फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। नाउ फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले सिग्नल ट्रांसडक्शन। एंजाइम्स
एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे क्या मतलब कि हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल आप लोगों को कल भी शायद दी थी कि अगर हमारी फिंगर पे सुई चुभ जाए, कोई नीडल चुभ जाए, तो हम अपने हाथ को फौरन से हटा लेते हैं। तो हमने अपने हाथ को फौरन से कैसे पीछे हटाया, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से हुआ कि हमारे हाथ पे जैसे ही सुई चुभी थी तो वहां पे फिंगर में मौजूद सेंसरी नर्व्स ने फौरन से इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरॉन्स की मदद से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाई, ब्रेन तक। ब्रेन ने उसको प्रोसेस करके वापस इंफॉर्मेशन भेजी रिफ्लेक्टर तक, अपने हमारे हाथ तक, कि हाथ पीछे हटाओ, और हाथ फौरन से पीछे हट गया। तो ये जो एक जगह से सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन गई हमारे माइंड तक, हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन से जो वापस आई हमारे इफेक्टर तक, यानी हाथ तक, हैंड तक, तो इसको क्या कहते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट है सेल रेगुलेशन। सेल रेगुलेशन, अभी मैंने बात की कि नए सेल्स का बनाना और पिछले सेल्स का डाई करना, इसको इसमें रेगुलेशन रखी जाती है, इसको रेगुलेट किया जाता है थ्रू एंजाइम्स। हमारे अंदर नए सेल्स कब बनते हैं, कोई स्टूडेंट बताए मुझे कि हमारे अंदर नए सेल्स कब बनते हैं? मैम अभी आपने बताया कि 4 मंथ्स में जो जो पुराने सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और फिर न्यू सेल्स बनते हैं। तो जैसे रेड ब्लड सेल की अगर हम एग्जांपल लें, तो आज जो एक सेल डाई हो गया है उसकी जगह पे नया सेल बन जाता है, तो आज जो नया सेल बना है 4 महीने के बाद वो डाई हो जाएगा। तो ये सेल रेगुलेशन, सेल के बनना और मरना। और इसके अलावा सेल कहाँ पे बनते हैं, ये तो हमने सिर्फ ब्लड सिस्टम की बात की, हमारे हाथ, हमारी पूरी स्किन के सेल्स हर वक्त बनते रहते हैं। आपने देखा होगा अगर हमें कोई कट लग जाए, कोई छोटा सा नॉर्मल सा कट हो, ऐसे घर में कोई छुरी वगैरह लग जाती है हमें नॉर्मली, तो वो ऐसे अगले दिन या 2 दिन बाद हील हुआ हुआ होता है। तो वहां पे क्या हुआ होता है, वहां पे सेल डिवीजन हुई होती है, वहां पे नए सेल्स बने होते हैं, नए सेल्स ग्रो किए होते हैं। तो ये नए सेल्स हमेशा बनते रहते हैं हमारी बॉडी में, हर जगह बनते रहते हैं। हमारी जुबान पे कट लग जाए तो वो भी दोबारा से हील हो जाता है, अगर छोटा सा कट लगा हुआ हो खाना खाते हुए या कुछ करते हुए, अक्सर दांत के अंदर, दांतों के अंदर जुबान आ जाती है, हमारी टंग आ जाती है, तो उससे थोड़ा सा कट लग जाता है, तो वो कट भी आराम से हील हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, नए सेल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन डाइजेशन। इस तरह एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। ये मैंने अभी बताया कि जैसे पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाता है। हमारे मुंह के अंदर, हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो स्लाइवा है, जिसको हम थूक भी कहते हैं, ये स्लाइवा, इस स्लाइवा के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे ही हम खुराक को, फूड को अपने माउथ में प्लेस करते हैं, अपने माउथ में रखते हैं, वैसे ही डाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे माउथ में एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, इसी तरह पेंक्रियाज में पाया जाता है एमाइलेज। तो ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करवाता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाती हैं। इसी तरह लाइपेज प्रेजेंट होता है पेंक्रियाज में, वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करवाता है। तो डाइजेशन में भी एंजाइम्स का बहुत अहम रोल होता है। उसके बाद हम मेंटेन होम्योस्टेसिस, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे अंदर के इंटरनल तमाम, हमारे अंदर की तमाम इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है थ्रू होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। उसके बाद कॉजिंग जेनेटिक डिजीजेस। एंजाइम्स जो हैं, अगर एंजाइम्स में कोई मसला आ जाए तो उससे जेनेटिक डिजीजेस भी कॉज हो सकती हैं। अगर एंजाइम्स वर्क प्रॉपरली ना करें तो हमारे अंदर बीमारियां भी पैदा हो सकती है, और उनमें से कुछ बीमारियां कैसी होती हैं, जेनेटिक होती हैं। जेनेटिक का मतलब कि डीएनए के लेवल पर चेंज आ गया और एंजाइम ने अपना काम करना छोड़ दिया, या एंजाइम बन ही खराब गया। तो जब खराब एंजाइम बन गया, मोटर या फैक्ट्री ही खराब बन गई, कपड़े की फैक्ट्री बनानी थी और उसमें मशीन ही गलत लग गई आपकी, तो क्या होगा, कोई ना कोई मसला हो जाएगा, आप कपड़ा तो फिर उसमें नहीं बना सकोगे। तो यही काम होता है कि अगर डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गई तो उससे खराब जीन, खराब एंजाइम बनेगा,
खराब एंजाइम अपना वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, जब अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज का खतरा होता है, किसी ना किसी बीमारी के लग जाने का खतरा होता है, या खुद कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। यहां तक सबको क्लियर है? यस ओके, मैम, यस मैम। मैं वापस कर रही हूँ यहाँ से, इसको फटाफट से रीड करें। मैं भी आप लोगों से इसमें से क्वेश्चंस करूंगी जितना भी हमने पढ़ लिया एंजाइम्स का। आप लोगों के पास स्लाइड्स हैं? यस मैम, ग्रुप में सेंड कर दिए। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी स्लाइड सेंड की थी आगे वाले लेक्चर्स की भी, तो अगर जिनसे पोर्टल से डाउनलोड नहीं होती वहाँ आप उनको मेल कर दें, तो आप लोग अपने पास एंजाइम्स वाली स्लाइड भी खोल लें और इसको पढ़ें। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी, इसमें से क्वेश्चंस करूंगी। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। यस मैम। चलिए नेक्स्ट कर दूं। नेक्स्ट कर दूं, मेरा नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। यस मैम। यस मैम। ओके,
दोबारा से एक नज़र देख लें। ओके चलें जी, अब मुझे बताएं, कोई भी स्टूडेंट बताए कि व्हाट आर एंजाइम्स। मैम मैं बता दूं, यस some enzymes are the biocatalyst that increases the velocity of chemical reaction, lowering the activation energy, and they are attached to a specific substrate to form products. Yes. Enzymes kya hote hain? Enzymes are protein in nature that are used or that catalyze the chemical reactions, specific biochemical reactions occurring in the living bodies. They speed up the reactions by lowering their activation energy, and they are always specific for in nature. Yes, they are always specific in nature, or they are specific for substrate conversion into products. Okay, Muntasha mujhe batayengi, what is the importance of enzymes? हाँ जी मुंतशा, मुंतशा नहीं है यहाँ पर, नो मैम आई थिंक नहीं है। जी मैम नहीं है यहाँ पर। ओके महम वारिस, महम वारिस आप बताएं बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। फौजिया सलीम का यस मैम, हाँ जी बेटा बताएं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। मैम एंजाइम एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, और व्हेन एंजाइम फंक्शन प्रॉपरली होम्योस्टेसिस इन मेंटेनेड। मैम एंजाइम जो है वो डाइजेशन में यूज होते हैं, मतलब फूड डाइजेस्ट करते हैं, और हाँ जी इसके आगे कौन ठीक है महम, ठीक है इसके आगे कंटिन्यू करें मैम। जो एंजाइम है वो केमिकल केमिकल रिएक्शन में भी यूज होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज होते हैं, और yes. ये एक कैटलिस्ट भी होते हैं, जो सबस्ट्रेट है उसे प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, और ये मतलब इम्पोर्टेंट। ओके ठीक है, ठीक है महम, चले अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पे। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, बेटा आप लोग अपने माइक्स को ऑफ कर दें, सब लोग अपने माइक्स ऑफ कर दें। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वेयर दे परफॉर्म देयर एक्शन, एंजाइम्स आर कंसिडर्ड अंडर टू ब्रॉड कैटेगरी।
तो एंजाइम्स की दो कैटेगरीज, दो टाइप्स बना ली गई हैं, किस बेस पर, उनकी लोकेशन की बेस पर, कि एंजाइम कहाँ पर रहते हैं, उनकी लोकेशन के बेस पर हमने एंजाइम को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कौन से होते हैं? दे आर फंक्शन विद इन दी सेल्स वेयर दे आर सिंथेसाइज। ये हमेशा दे आर नहीं आएगा बेटा, बस यहाँ पे आएगा दे फंक्शन विद इन दी सेल्स वेयर दे आर सिंथेसाइज। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कौन से होते हैं? जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, वो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर। ये सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और सेल के अंदर ही अपने काम को सरंजाम देते हैं। एंड कुछ नंबर टू कैटेगरी है हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स कहलाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि वो सेल से बाहर चले जाते हैं, वो सेल से बाहर अपना काम सरंजाम देते हैं। दे आर एक्टिव आउटसाइड दिस सेल। ये बनते तो सेल के अंदर ही है पर एक्टिव कब होते हैं? जब ये सेल से बाहर निकल जाते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन दिस सेल। ये सेल के अंदर बनते हैं एंड एक्सक्रीटेड आउट इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। सेल के अंदर बनने के बाद ये सेल से बाहर निकल आते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं बाहर की तरफ, आउट इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, सेल के बाहर के हिस्से में, टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन दो कैटेगरीज हैं, पहली है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और दूसरी है एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और हमेशा सेल के अंदर ही रहकर अपना काम करते हैं, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं पर सेल से बाहर निकलकर अपना काम सरंजाम देते हैं। ये एंजाइम्स एक्टिव ही तब होते हैं जब ये सेल से बाहर निकल जाते हैं। आगे अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। पहले थी लोकेशन के बेस पे, अब है इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन, कि ये किस तरह बने हुए हैं, कि कॉम्पोजिशन क्या है। तो कॉम्पोजिशन की बेस पे एंजाइम्स थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर वन मोनोमेरिक एंजाइम्स, नंबर टू ओलिगोमेरिक एंजाइम्स, नंबर थ्री मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्सेस। तो इनके नेम से हमें पता चल रहा है मोनोमेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। इट इज मेड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, यानी कि सिंगल एक प्रोटीन की चेन से बने हुए होते हैं। ओलिगोमेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स यानी कि एक से ज्यादा अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन, किसको कहते हैं? अमाइनो एसिड की चेन्स को। एक से ज्यादा अमाइनो एसिड चेन्स से मिलकर बने होते हैं। इसकी एग्जांपल में है लैक्टेडिया हाइड्रोजिनेज। मोनोमेरिक एंजाइम की एग्जांपल में है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करवाने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है हमारे पास मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्सेस। तो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? दे पोजेस स्पेसिफिक साइट्स टू कैटालाइज डिफरेंट रिएक्शंस इन अ सीक्वेंस। ओनली द नेटिव मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज फंक्शनली एक्टिव, नॉट द इंडिविजुअल यूनिट्स। तो जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें एक ही एंजाइम के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो मिलके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तब वो जो इंडिविजुअल छोटे छोटे एंजाइम्स थे वो अकेले वर्क नहीं कर सकते, पूरे का पूरा एंजाइम जिसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं वो सारे मिलके ही वर्क करते हैं, तो एंजाइम का काम होता है। और ये स्पेसिफिक साइट्स पे ही पाए जाते हैं और ये स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। वैसे तो हमें पता है सारे एंजाइम्स अपने अपने स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल है पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक हमने दो टाइप की कैटेगरीज पढ़ी। पहली है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इंट्रासेलुलर,
एंड एक्सोसेल, इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर ही पाए जाते हैं और हमेशा सेल के अंदर ही रहकर अपना काम सरंजाम देते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर जो सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, सेल के अंदर बनते हैं पर अपना काम सेल से बाहर निकलकर करते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन के वो किस तरह से बने हैं। तो मोनोमेरिक एंजाइम्स कैसे होते हैं, जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। ओलिगोमेरिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने हुए होते हैं। और मल्टी एंजाइम जिसमें छोटे छोटे काफी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, काफी सारे यूनिट्स पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम के पार्ट्स क्या होते हैं, अभी हमने शुरू में बात की थी कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो जब एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं तो इसका मतलब है एंजाइम ज्यादातर किसका बना हुआ, प्रोटीन का बना होता है। पर प्रोटीन होने के साथ साथ एंजाइम में छोटी छोटी डिफरेंट चीजें भी मौजूद होती हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले एपो एंजाइम। एपो एंजाइम किसको कहते हैं, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड चेन्स, इट इज नॉन एक्टिव अनलेस इट बाउंड्स विद नॉन प्रोटीन पार्ट। तो एपो एंजाइम क्या है, एंजाइम का वो पोर्शन जो सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है वो एपो एंजाइम कहलाता है। पर एपो एंजाइम जो होता है वो एक्टिव नहीं होता, वो इनएक्टिव होता है। एपो एंजाइम कभी भी अपना काम नहीं कर सकता। एपो एंजाइम को अपना काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, और वो नॉन प्रोटीन पार्ट कौन से होते हैं, वो नीचे गिवन है। नॉन प्रोटीन पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर, नॉन प्रोटीन पार्ट आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर ए कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऐसे प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट्स जो किसके बने हुए हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बने हों, जैसे कि विटामिंस और डिफरेंट चीजें। कोएंजाइम्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं को सबस्ट्रेट और एक होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। Coenzymes that are only transiently associated with enzymes are known as co-substrate. तो वो वाले coenzymes, वो वाले non-protein part जो enzyme के साथ वक्ती तौर पे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, co-substrates कहलाते हैं। जबकि prosthetic groups क्या होते हैं, prosthetic groups ऐसे groups होते हैं, ऐसे non-protein parts होते हैं, ऑर्गेनिक नॉन मॉलिक्यूल नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं जो प्रोटीन पार्ट के साथ पक्के पक्के तौर पे हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं, परमानेंटली जुड़ जाते हैं। कोएंजाइम्स दैट आर परमानेंटली एसोसिएटेड विद एंजाइम्स, और इसकी एग्जांपल क्या है, एफएडी, और ट्रांजिएंट बाइंडिंग वाले की को सब्सट्रेट की एग्जांपल क्या है, एनएडी। एनएडी क्या होता है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एफएडी क्या होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये दोनों क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं पर ये प्रोटीन्स नहीं है, क्लियर। तो इसलिए क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, और नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर एंजाइम फंक्शनल नहीं होता, वो इनएक्टिव रहता है। दूसरी टाइप है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। तो कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं, कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक आयंस से बनते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस में क्या कुछ आ जाता है, कैल्शियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरह के तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इनऑर्गेनिक आयंस अगर एंजाइम के प्रोटीन पोर्शन के साथ आकर लग जाए तो वो क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर्स कहलाते हैं। और इन तीनों के बगैर, इन तीनों में से कोई एक होना ज़रूरी है, या तो कोफैक्टर होना ज़रूरी है, या को सब्सट्रेट होना जरूरी है, या प्रोस्थेटिक ग्रुप होना जरूरी है एंजाइम को फंक्शन करने के लिए, यानी कि कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होना जरूरी है। क्लियर है सबको यहाँ तक, किसी का कोई क्वेश्चन? मैं कर लूँगी क्वेश्चन। हाँ जी, इसको रिपीट करें
ये जो अभी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, दो तरह की कैटेगराइजेशन पढ़ी है, और उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ एंजाइम पढ़े हैं कोफैक्टर्स तक। इसको महा रिपीट करें। मैम रीड करूं इनको? हाँ जी बेटा रीड कर दें इनको, यहां से रीड करें। Types of enzymes. According to the location where they perform their action, enzymes are considered under two broad categories. Number one, intracellular enzymes. They function within the cells where they are synthesized. Number two, extracellular enzymes. They are active outside the cell. They are synthesized within the cell and excreted out into extracellular environment to perform its function. Yes. According to their composition, there are three types of enzyme. Number one, monomeric enzymes. It is made up of single polypeptide. Number two, oligomeric enzymes. It is made up of more than one polypeptide chains. Number three, multi-enzymes complex. They possessing specific sites to catalyze different reactions in a sequence. Only the native multi-enzyme complex is functionally active, not the individual units. Yes. तो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में जो छोटे छोटे एंजाइम्स मल्टी है ना, ये तो ये छोटे छोटे एंजाइम्स होते हैं। हर एंजाइम, हर छोटा छोटा एंजाइम सीक्वेंस में वर्क करता है, यानी कि पहले छोटे एंजाइम ने जो प्रोडक्ट्स बनाए वो प्रोडक्ट्स अगले के लिए सब्सट्रेट के तौर पर यूज़ होते हैं, तो अगले के प्रोडक्ट्स उससे अगले के लिए सब्सट्रेट के तौर पर यूज़ होते हैं। इस तरह सो ऑन केमिकल रिएक्शन होता है, और पूरे के पूरा जो बड़ा एंजाइम यूनिट बनता है, मल्टी एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका फंक्शन अदा किया जाता है। अगर इंडिविजुअल हो तो ये अपना काम नहीं कर सकते, अलग अलग होंगे तो ये अपना काम नहीं कर सकेंगे। पार्ट्स ऑफ एन एंजाइम। एपो एंजाइम्स। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड चेन्स। It is non-active unless it bounds with non-protein part. Non-protein parts. Enzyme किसका बना हुआ होता है? Protein का बना हुआ होता है। पर ये जो अकेला protein से बना हुआ enzyme है, ये functional नहीं होता, ये inactive होता है। इसको active करने के लिए कोई ना कोई साथ में non-protein part जोड़ना पड़ता है। According to their chemical nature, non-protein part are of two types: coenzyme and cofactors. Coenzymes. Made up of organic molecules like vitamins. It has further two types, co-substrate and prosthetic group. Co-substrate, coenzymes that are only transiently associated with enzyme NAD, or prosthetic group, coenzymes that are permanently associated with enzyme. Co-factors made up of inorganic ions like zinc and, I mean, iron hai ya ferrous? Zinc. आयन, फेरस आयन। फेरस आयन। है ये आयरन ही है, फेरस फेरिक आयरन की आयंस की किस्में हैं। ओके मैम। चलें जी, नेक्स्ट है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है? अगला पार्ट है एंजाइम का। होलो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम इज द कॉन्जुगेटेड एंजाइम दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कोएंजाइम या कोफैक्टर। तो होलो एंजाइम किसको कहते हैं? पूरे एंजाइम को, पूरे फंक्शनल एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं, जिसमें एपोएंजाइम यानी कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट जिसमें कोएंजाइम या कोफैक्टर होते हैं, वो ये सारे बाइंड किए हुए होते हैं। तो फिर हमारे पास क्या बनता है? एक होलो एंजाइम बनता है, जिसको हम कहते हैं कि वो फंक्शनल एंजाइम है, और फिर ही वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवा सकता है। अब आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एपोएंजाइम है, प्रोटीन पोर्शन है सिर्फ, उसके साथ ये कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पोर्शन। नॉन प्रोटीन पोर्शन में कोई भी गया तो कोएंजाइम भी आके लग सकता है, कोफैक्टर भी आके लग सकता है। कोएंजाइम की दो टाइप्स है, दोनों में से कोई भी आकर लग सकती है। ठीक है, अभी एक कोफैक्टर आकर इसमें लग गया। जैसे कोफैक्टर देखें यहाँ पर लग गया, तो अब सबस्ट्रेट के लिए प्रॉपर
बाइंडिंग साइट क्रिएट हुई है, तो अब ये सब्सट्रेट इसमें आकर लगेगा। अदरवाइज अगर इसी में सब्सट्रेट लगता तो उसने इसके अंदर ही घूमते रहना था सब्सट्रेट को, सब्सट्रेट ने, पर उसने कैटालिटिकली रिएक्शन नहीं होना था, रिएक्शन कैटालाइज नहीं होना था। तो जब कोफैक्टर बाइंड हुआ उसके बाद सब्सट्रेट आकर इसमें बाइंड हो सकता है और फिर रिएक्शन जो है वो कैटालाइज होता है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप is an integral part of enzyme substrate, enzyme structure cannot be separated by dialysis but coenzyme can easily separated by mild treatment. तो जो prosthetic group होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा कि prosthetic group permanently जुड़ जाता है, तो जो permanently जुड़ जाता है उसको हम अलग नहीं कर सकते enzyme से, जबकि coenzyme को, co substrate को हम अलग कर सकते हैं क्योंकि वो transiently bind करता है, थोड़े वक्त के लिए बाइंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप चूंकि परमानेंटली बाइंड हो जाते हैं इसलिए उनको एंजाइम से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरफ जो को सब्सट्रेट है कोएंजाइम का उसको अलग किया जा सकता है क्योंकि वो ट्रांसिएंटली वक्ती तौर पे प्रोटीन पोर्शन के साथ बाइंड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एक्टिव साइट। जब एक हमारे पास होलो एंजाइम बन जाता है तो होलो एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट बन जाती है। एक्टिव साइट क्या होती है? ऐसी साइट होती है जिसके अंदर सब्सट्रेट बाइंड करता है और फिर रिएक्शन कैटालाइज होता है। तो एक्टिव साइट के अंदर मजीद दो साइट्स, मजीद दो जगहें होती हैं। एक्टिव साइट पूरी एक बड़ी कह लें जगह है, पूरी कह लें हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रीट से, कि एक स्ट्रीट है, गली है, ठीक है, एक्टिव साइट, और गली के अंदर दो घर हैं। तो इसी तरह एक्टिव साइट के अंदर दो फर्दर साइट्स हैं। तो वो साइट्स कौन सी हैं? एक साइट कहलाती है बाइंडिंग साइट और दूसरी साइट कहलाती है कैटालिटिक साइट। यानी कि एक घर क्या कहलाता है? बाइंडिंग साइट, और दूसरा घर क्या कहलाता है? कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट पर आकर सब्सट्रेट बाइंड होता है। सब्सट्रेट वो चीज होती है जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है। तो बाइंडिंग साइट पे सब्सट्रेट बाइंड होता है और जैसे ही सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट पे बाइंड होता है फौरन से कैटालिटिक साइट जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, यानी कि दूसरा घर एक्टिव हो जाता है और वो उसको वहीं पे ही बाइंडिंग साइट पे ही मौजूद सब्सट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि रिएक्शन को कैटालाइज करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हम एक्टिव साइट को पढ़ लेते हैं। एक्टिव साइट क्या होती है? एंजाइम मॉलिक्यूल्स कंटेन अ स्पेशल पॉकेट और क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मतलब घड़ा, वेयर सब्सट्रेट बाइंड्स एंड पार्टिसिपेट्स इन कैटालिसिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। जहाँ पर सब्सट्रेट बाइंड करता है और कैटालिसिस में इन्वॉल्व होता है वो साइट क्या कहलाती है? एक्टिव साइट कहलाती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। ये बनती कैसे है कि जो प्रोटीन्स एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती हैं तो उनमें घड़े बन जाते हैं, क्लेफ्ट बन जाते हैं। कंटेन अमीनो एसिड साइड चेन्स दैट पार्टिसिपेट इन सब्सट्रेट बाइंडिंग एंड कैटालिसिस साइट्स। सब्सट्रेट बाइंड एट द एक्टिव साइट बाय वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड to bring conformational changes that allows catalysis. अच्छा, ये भी बहुत important point है कि जैसे ही substrate active site की binding site पर bind होता है, active site में binding site पर bind होता है, वैसे ही enzyme की conformation में, enzyme के structure में थोड़ा सा change आता है। उस change से क्या होता है कि वो substrate भी tightly bind हो जाता है enzyme के साथ, जैसे ही change आता है। तो चेंज आने पर सब्सट्रेट टाइटली बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ और फिर जो है वो कैटालिसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करने का अमल स्टार्ट हो जाता है।